फिर आए यानी कि 2 घंटे के बाद। हाँ तो आप कह रहे थे कि आप चावल बना लेंगे हैं? देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी मच्छी तो पकी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियों को। बहुत बहुत सर्दी है ना? अभी इतनी तो नहीं है वैसे। बहुत सर्दी है। तो सर्दियों में क्या खाया जाता है वैसे? सर्दियों में करेले गोश्त। आपको तो ना बस। फिश भी खा ली जाती है। तो वो फिश तो आप बाजार से खाते हैं? सिद्दीक फिश कॉर्नर से। पब्लिसिटी मत करें। नॉन सिद्दीक फिश कॉर्नर, सॉरी। हाँ भाई, तली हुई मछली तो मिल ही जाती है बाजार से इतनी मजे की, लेकिन जो घर में पकती है ना, और ख़ास तौर पे हल्के से शोरबे वाली है, और ख़ास तौर पे आपके हाथ की। वाह वाह वाह, आदाब, सुभान अल्लाह। चलें, रेसिपी तो आपने बतानी है ना? हाँ, वो बनानी तो मैंने ही है, मतलब मैंने बताई है ना आपको रेसिपी। हाँ, अभी बहुत पिछले अच्छा हफ्ते बनाते हैं सब कुछ। तो आज हम सब मिलकर एक फिश बनाएंगे इंशाल्लाह। एक फिश, एक मछली बना लेंगे ना, तो बाकी सब कैसे खाएंगे इतने सब लोग? वो अपनी अपनी पकड़ लें फिश। जी तो फिश को धो लेते हैं। अरे ठंडा पानी। जी तो सबसे पहले आपने जी इसे धो लेना है, और ज़्यादा नहीं धोना ताकि मछली ज़िंदा ना हो जाए। नो गैस। चले, हमने अपना ऑल्टरनेटिव निज़ाम रखा हुआ है, सिलेंडर मजबूरी है। तो हम सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो आप ऑयल यूज़ कर लीजिए। हाँ तो 1 कप के बराबर होगा ये। अगर आप कम घी खाना चाहते हैं या ऑयल, तो वो आप कम डाल लीजिए। अच्छा, अब इसमें जाएगी, जब गर्म हो जाएगा तो पिसी हुई प्याज हम इसमें डालेंगे। को हम गोल्डन ब्राउन करने के लिए छोड़ देंगे। इस बेचारे को अकेला छोड़ देंगे? नहीं, जब पक जाएगा तब आ जाएंगे साथ। Obviously. हाँ तो आप कह रहे थे कि आप चावल बना लेंगे हैं? चावल बना लेंगे, उसमें क्या है ऐसा? हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है, गैस ही नहीं है। शुक्र करें जनाब, मैंने रोटियां मंगवा के तंदूर से रखी हुई है, तंदूर से बनना आज। अच्छा, अब ये जो रेसिपी है जी जी, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने इसमें डालना क्या है, नेक्स्ट क्या जाएगा इसमें, समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं बता देता हूँ ना। हाँ बताएं। सौंफ। मैं गुड़ वाले चावल बना रही हूँ। गुड़ वाली मच्छी। देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी मच्छी तो पकी। सिलेंडर की गैस पे पकाने का एक बहुत बड़ा फायदा है, कितना टाइम होता है आपके पास, क्योंकि वो बहुत वक्त लेता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मीनवाइल सो भी सकते हैं। फिर आ जाए दोबारा सुबह, फिर आए काफी देर के बाद, देखें हुआ नहीं हुआ, फिर चले गए, फिर आए यानी कि 2 घंटे के बाद। हुआ नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, फिर सही हुआ। मुझे लग रहा है मछली दोबारा समंदर में चली जाएगी। हाँ जी, तो ये आखिरकार थोड़ा सा ब्राउन हो गया है प्याज। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वो जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी रेसिपी में, ठीक है ना, रिटन रेसिपी में। तो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है अदरक लहसुन। दो भाइयों के नाम लगते हैं ना क्या, अदरक लहसुन। इसको थोड़ा सा भूनिंग, ठीक है ना, ताकि इसका कचपन दूर हो जाए
और पकपन आ जाए जी। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, ज़ीरा सफ़ेद और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च थोड़ा थोड़ा सा ये डालेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज्ड टमाटरों का को ब्लेंड करके ये डालेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें नमक कम डालेंगे, इसलिए कि मछली में पहले भी जब वो बनाते हैं तो उन्होंने नमक डाला हुआ होता है। तो थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून के बराबर, साबुत धनिया 1 and 1/2 क्योंकि 1.5 किलो मछली है, हल्दी ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च इज ऑलवेज हस्बे जायका, आप अपनी मर्जी से डालिए। ये क्या हो रहा भाई? इसको ऐसे ही हिलाना है, फिर इसमें आपने मछली छोड़ देनी है। आखिरी इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा, वेल नॉट आखिरी क्योंकि गार्निश करूँगी इसको मैं किसी चीज़ से एंड में, तो दही जो है फेंट के 1/2 कप के बराबर ये हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये भी साथ ही शाओ। कैसी खुशबू आ रही है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फाइनली हम इसमें फिश डालने लगे हैं, ठीक है ना? इट्स रियली हैवी, सो आई हैव टू कीप इट समवेयर, इट्स ओके। बिस्मिल्लाह मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर। क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, इसकी अगर हैंडलिंग सख्त हाथ से की जाए तो खिलर जाएगी फिर, और एज सच हम इसको हिला भी नहीं सकते ज़्यादा। क्यों, जाग जाएगी? अब इसको हम ढाँक देंगे और इसमें हम हल्का सा पानी रखेंगे, जितना भी शोरबा आपको अच्छा लगता हो, जितनी करी अच्छी लगती हो उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा ना कम, दरमियान में। प्यारी शक्ल नहीं लग रही माशाल्लाह? इतनी खूबसूरत शक्ल और बहुत खुशनुमा खुशबू। ये डाला इसमें, याद है जब बचपन में आपकी और मेरी मामा मसाला बनाया करती थीं और गोश्त भूनने के लिए वो खुशबू वो जायका, तो हम दोनों अभी पकने से पहले जब भुन रहा होता था गोश्त, आपकी भी और मेरी, हमारी ये सेम स्टोरी है, हाँ, है ना? तो हम अपने मामा से कहा करते थे, अम्मा से, कि इस अभी से इसी में से दे दीजिए, अभी पका भी नहीं होता था ना। हाँ, और वो इतना मज़े का, वो जायका वाकई पकने के बाद नहीं, अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों है, बस उसमें कुछ है, कुछ था उसमें जी। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और अब देखते हैं माशाल्लाह से कि क्या एंड रिजल्ट क्या है। चूल्हा बंद कर देंगे और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Wow. Oh, masha
माशाल्लाह जबरदस्त ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई क्या मेथी। अच्छा, अगर आपको मेथी नहीं पसंद, वैसे इसके साथ तो कॉम्बिनेशन उसी का है, ठीक है ना, एंड में डलती है ये इसी तरह। और इसको फिर हम ढांप देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि उसकी खुशबू आ जाए उसमें। तो अगर मेथी नहीं पसंद तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। यमी, इसको हम निकालते हैं प्लेट में और देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। वाह, जी तो आ जाएं आप भी, बिस्मिल्लाह, आपके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। खुशबू करीब से बहुत यम्मी आ रही है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।